दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ छोले की सब्जी की रेसिपी। ये जो छोले हैं ये मैंने एकदम डिफरेंट स्टाइल से बनाए हैं, बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया है। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए बहुत सारे मसालों का यूज़ किया जाए, ज़रूरी ये होता है कि आपने उस सब्जी को बनाया किस तरीके से है। तो चलिए देखते हैं इन्हें टेस्टी बनाने के लिए हमने क्या क्या ट्रिक आजमाई है। मैं तोशी आपका अपने चैनल राजस्थानी तड़का विद तोशी में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहली ट्रिक, एक गिलास पानी आप किसी भी पैन में रख दीजिए, उसमें 3 लौंग, 2 दालचीनी की डंडियाँ और आधा चम्मच के करीब चाय पत्ती, इसे हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे। जिस तरह से हम चाय के लिए पानी बॉयल करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, ये देखिए काफ़ी अच्छे से बॉयल हो गया है ये पानी, अब इसे हम साइड में रख देते हैं। दूसरी तरफ ही देखिए हमने ले लिया है कुकर और ये जो भीगे हुए छोले हैं ये हम इसमें डाल देंगे। छोले भिगोने का प्रोसेस मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि छोले तो सभी को भिगोने आते हैं, या तो छोले भिगोते समय एक चुटकी मीठा सोडा डाल दीजिए तो छोले बहुत बढ़िया से भीग जाएंगे, और या फिर ऐसे भी छोले बहुत अच्छे से भीग जाते हैं। छोले और पानी कुकर में डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे नमक, आधा चम्मच हल्दी, करीब 1 चम्मच नमक डाला था मैंने, और इसके बाद हमने जो ये चाय पत्ती और दालचीनी वाला पानी उबाला था ये भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा चला देते हैं और अब हम इस पे ढक्कन लगा करके करीब 4 से 5 सीटी लगा लेंगे। तो जब तक छोले उबल रहे हैं तब तक हम अपनी और तैयारियां कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ ये देखिए मैंने आधा कटोरी हल्का खट्टा दही लिया है, इसमें अब हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच धनिया, करीब 1.5 चम्मच लाल मिर्च, मैं जो ये लाल मिर्च ले रही हूँ ये ज़्यादा तीखी नहीं है। अब हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, नमक हम आधा चम्मच ही डालेंगे क्योंकि हमने छोले उबलने में भी डाल दिया है नमक। और इसके बाद मैंने लिया है ये 1.5 छोटी चम्मच अचारी मसाला। अचारी मसाले की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप रेसिपी देख सकते हैं। इसके बाद ये देखिए थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मसाले जब अच्छे से फूल जाएंगे और हम सब्जी बनाएंगे तो सब्जी में बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। इसके अलावा देखिए हमने और क्या लिया है, इसके अलावा मैंने लिया है करीब 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 15-20 कलियां लहसुन की और 3 प्याज, तीनों चीज़ों को हम पीस करके पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट हमने तैयार कर लिया है, इसे भी हम साइड में रख देते हैं। और अब हम ले लेते हैं 4 टमाटर और करीब 5-6 सूखी लाल मिर्च। अगर आपको लगता है कि सब्जी में मिर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आप मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मिर्च हमने डाल दी है मिक्सी जार में और टमाटर को भी काट लेते हैं और इसकी हम बना लेते हैं प्यूरी। तो ये लीजिए ये हमारी सभी सामग्री तैयार है सब्जी बनाने के लिए। अब दूसरी तरफ देखिए हम छोले देख लेते हैं, तो छोले देखिए कितने बढ़िया से उबले हैं, ये देखिए मैंने करीब 5 सीटी लगाई है और कलर भी देखिए इन छोलों पर कितना बढ़िया आया है, और इसमें से दालचीनी और लौंग की जो खुशबू आ रही है वो भी एकदम गजब लग रही है। तो दूसरी तरफ ये देखिए कढ़ाई में हम चढ़ा देते हैं सरसों का तेल, फ्लेम ऑन कर देंगे और तेल को गर्म होने देंगे। दूसरी तरफ हम ये 8-10 काली मिर्च और 2 लौंग इन्हें हम कूट लेते हैं। इसके बाद हम लेंगे 2 डोडे और इन्हें भी इस तरह से कूट लेंगे। बीजों को निकाल लेंगे डोडे में से और इन्हें दरदरा कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो दूसरी तरफ ये देखिए तेल गरम हो गया, अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच जीरा और ये कूटी हुई लौंग, काली मिर्च और डोडे। इसके बाद हम डाल देंगे ये प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसे अब हम अच्छा ब्राउन कलर आने तक भूनेंगे। इसके साथ ही हम डाल देंगे 1/4 चम्मच हींग और कंटिन्यू चलाते हुए हम इस मसाले को भूनेंगे। तो ये देखिए अच्छा ब्राउन कलर का भून लिया है मैंने इस मसाले को। अब इसमें मैं डाल देती हूँ टमाटर और लाल मिर्च वाली जो हमने प्यूरी बनाई थी,
इसे भी हमने अच्छे से भून लिया है और अब इसके बाद हमने जो दही में मसाले मिक्स करके रखे थे वो भी हम डाल देंगे। कंटिन्यू चलाते हुए हमें इस मसाले को भूनना है जब तक कि ये सभी मसाले अच्छे से ना भून जाएं। मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और ये कटोरी में भी थोड़ा पानी डाल लेते हैं और ये इसमें डाल देते हैं जिससे जो ये कटोरी में मसाले लगे हुए हैं ये भी निकल जाएंगे। बस इस तरह से चलाते रहेंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इस मसाले पर। मैं चला करके दिखाती हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया मसाला भुना है ये। और अब हम इसमें डाल देंगे करीब 1 चम्मच कसूरी मेथी, इस तरह से हाथों से मसल कर एक बार फिर से इसे चला देंगे और करीब 2 मिनट के लिए हम इस मसाले को फिर से ढक करके पकाएंगे। ये देखिए ढक दिया मैंने और 2 मिनट के बाद ये देखिए कितना बढ़िया मसाला भुना है। एक बार फिर से चला देते हैं और अब हम इसमें छोले मिक्स करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपीज पसंद आती हैं और आप मेरे चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए सभी छोले मैंने मसाले में मिक्स कर दिए हैं और अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये पानी। पानी अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत इसमें और मिक्स कर सकते हैं, जैसे आपको छोले खाना पसंद है। तो अब हम इसे बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाएंगे क्योंकि छोले पहले ही पक चुके हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस छोले की सब्ज़ी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये छोले की सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए इस तरह से हम छोलों को हल्का हल्का सा दबा देंगे, इससे सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए, तो ये लीजिए हमारी छोले की सब्ज़ी तैयार है। आप इसे पूड़ी, पराठा, चावल, भटूरा किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कीजिए, सभी चीज़ों का स्वाद दुगना हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो ये देखिए अब हम इस पे डाल देते हैं कुछ धनिया पत्ती और हमारी सब्ज़ी सर्व करने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितनी लाजवाब बनी है ये सब्ज़ी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।